वैसे सच बताया हुआ भाई है, वो खुद करना है। लेकिन हाँ ये उसको भी मैंने सर्च लगाया हुआ है ना, तो वो मैं चाह रही हूँ उसको सर्च लगाऊंगी, तो मेरा अच्छा सही। रिसर्च आइटम्स 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 में भी नहीं था, टॉप पे लगाया, लेकिन अगर मुझे आइटम भी नहीं ब्रेड पीओडी पीओडी वही मैंने पहले टॉप उसकी सेक्शन कर दी। सर्च का सर ने बता दिया, पहले तो मैं उस तरीके से करूंगी, एक मुझे क्या चीज को सर्च कराना बिल्कुल अलग 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 चीज। डिफरेंट क्या यूआई डिफरेंस डिफरेंट जैसे तुम पहले अपनी बिल्कुल बना सकते बना सकते। एक चीज मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो आपने खुद ही जाके पढ़नी है ना, वो कोर्स का हिस्सा है और ना वो मुझे आती है, मुझे सिर्फ नाम पता है, प्रोग्रेसिव उसका नाम है प्रोग्रेसिव वेब है। सही है, वो मुझे भी नहीं पता क्या है लेकिन मुझे सिर्फ नाम पता है, जो नाम बता रहा हूँ प्रोग्रेसिव वेब है। वेबसाइट होती है वो मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वेब ऐप रिएक्ट पे ही बनती है और वो मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट हो जाती है। ना वो मैंने सीखी हुई है ना मेरे पास उसका काम आ रहा है। नेटिव इस वजह से इजाद हुई है क्योंकि हर मोबाइल ऐप वेब नहीं चाहिए, हर मोबाइल ऐप आपको वेब नहीं चाहिए। अब बहुत सारे गेम है वो वेब पे तो नहीं चल रहे, बहुत सारी चीजें उनके आपको डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मोबाइल बेस्ड है एंड्रॉयड आईओएस। मतलब नोट पढ़नी चाहिए क्या? दोनों पढ़ लो, पहले नोट पढ़ लो एक्सप्रेस पढ़ लो। ये क्या एरर दे रहा है? एरर पढ़ने के कैन नॉट। अबे यार वो ईमेल वाला इश्यू दोबारा आ रहा है यार, क्वेश्चन सर वो तो उसकी वजह से आ रहा था, मार्क की वजह से, क्वेश्चन नहीं लंदन के साइड में लंदन मार्क की वजह से। वाला तो बहुत पड़ेगा करता हूँ सारे तो क्या चलिए यार, एक मिनट सबर करो ना यार, खत्म होना किसने किसने बोला ये? हाँ चाहिए। उसमें ना सही है, फर्क वार्निंग पता होना आती चाहिए। है ना, डबल की है तो ये डेट होना चाहिए। अब आपने ये किया तो मैंने कहा एक वार्निंग नहीं, वार्निंग इशू नहीं कर इशू तो नहीं होता, लेकिन बात मान लो लो, अगर सारी रिमूव हो जाए तो। कैन क्या हो गया नॉट फिर, वो कॉपी ऑफ यही प्रिटी इशू आ ईमेल रहा एट लाइन नंबर डबल थर्टी इशू आ रहा थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव भाई, यही रिकॉर्ड है में। भाई। सारे अभी सॉल्व हो गए ना? ये है नलिश ऑपरेटर, नलिश ऑपरेटर, नलिश ऑपरेटर। इससे क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि टेस्टिंग प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा खुद पढ़ो लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ।
नहीं पढ़ना खुद होता है भाई, पढ़ना खुद होता है। मैं नोड जेएस का डेवलपर नहीं था लेकिन बन गया हूँ, ये सुन लोगों से सुन सुन करके खुद ही करना है। ठीक है हाँ बोलते हैं खुद करो, सबसे ज्यादा हाथ पकड़ के कोड नहीं मैं करवाएंगे। सही है, मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर लिखा प्रॉप वन, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉप वन में हमारे पास कुछ भी रखा हुआ है क्या? यस, चलाऊंगा नहीं, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। प्रॉप टू, उसके अंदर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर है नेम, और उसके अंदर है अहमद, ठीक है। अच्छा सही है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, डेटा डॉट ड्रॉप टू डॉट नेम, सही है। अब जो है एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना प्रॉप टू को कर देता हूँ अनडिफाइंड, वैसे आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज करेक्ट। ये क्या होता है मतलब उसको क्या बोलते हैं? ये आपके टेक्निकल कोड चैलेंजेस हैं। टेक्निकल कोड चैलेंज जब आपको कोई इंटरव्यू में देगा ना तो वो ऐसे ही देगा। ये ऑब्जेक्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जेक्ट। ये किया मैंने, ये किया मैंने, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर प्रॉपर्टी में फंक्शन, तो आपने करवाया, ये कैसे ये चलेगा? ऐसे ही चलेगा भाई। भाई क्या कोई नाम नहीं होता? नाम मैं यही बता रहा हूँ कि जो चीज आपने सीख ली ना और उसके साथ सोचा आपने नहीं खेला तो आपने क्या सीखा? सही है, आप उसके साथ खेलो तो नहीं सही यार, अगर मैं इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी में जाऊं तो क्या होगा, तो क्या होगा। सही है, डेटा को कंसोल कराते हैं। कॉपी पाथ कंट्रोल टीवी F12, ये सर वैसे इट अगर इज, आपसे क्या तो आप सुन तो लो बता दो। यार, सुन तो लो, ठीक है। अच्छा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेट टेस्ट इज इक्वल टू डेटा, ठीक है, और टेस्ट को मैंने कंसोल करा ली, सेव दिस। मैं चाह रहा हूँ जो एरर आना चाहिए वो आए, लेकिन देखते हैं। टेस्ट डॉट प्रॉप टू और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा नेम, और वो है अहमद, AHMED, सही है। प्रॉप टू डॉट नेम, सेव, अहमद आ गया। समटाइम्स जब आपके पास डेटा किसी दूसरी जगह से आने वाला होगा और आपके पास इस तरह कर करके डॉट डॉट करके चार पांच बने हुए ना, मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ तो मेरे पास चार पांच से लंबी लाइनें चल रही होती हैं, चार पांच में कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने करा, अगर ये देखो, अगर इस तरह आपने लिख दिया, इसका पता क्या मतलब है? अगर आपने इस तरह लिख दिया, इसका मतलब है 100% गारंटी है कि आपको नेम मिलने ही वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं कि आपको नेम मिलेगा नहीं, क्लियर, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपकी एप्लीकेशन रेंडर हुई है और मैं दोबारा से वहां जाके मैं कंट्रोल जी कर दूं, अगर सेव किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग ईमेल, सही है, दैट मीन्स इसकी नजर में कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग नेम। जब इनिशियल रेंडर हुआ उसको पता ही नहीं कि नेम क्या था, क्योंकि वो अभी उसको मिला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इधर वाले डॉट से पहले भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सबसे पहले इट इज कॉल्ड नलिश ऑपरेटर, सही है। इसका मतलब ये है जब डेटा मिल जाए तो चेक करो डॉट प्रॉप टू को, ठीक है, जब प्रॉप टू मिल जाए फिर चेक करो डॉट नेम,
इस तरह एरर नहीं देख, ताकि आप खुद सॉल्व करो ना, ताकि आप खुद सॉल्व करो। मैंने भी ऐसे लगा के बस सही है, नहीं हटाना नहीं है, तुमने लगा के रखना है। मैं हटा इस वजह से देता हूँ ताकि खुद करो। जब एरर देखो, एरर इसमें सॉल्व नहीं, इसमें जब मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तब एरर नहीं आता। सी वाई वाई तो आएगा भी नहीं कभी, क्योंकि आपने उसको बोल दिया। हाँ सही है, लॉग इन कर लिया था ना, बस चला के दिखाना मुझे, पॉसिबल नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सामने एप्लीकेशन बंद करके खोलूंगा, चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसका इशू ये है, अगर आपको 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला है और मिलेगा, तो क्वेश्चन मार्क की नीड नहीं है। वरना आप क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्वेश्चन मार्क आपके कोड को ब्लॉक कर देगा कि भाई पहले डेटा मिला तो प्रॉप टू चेक करूंगा, वो मिला तो डॉट नेम चेक करूंगा। जी एक ही लाइन में इस तरह 10 भी हो जाते हैं, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क डॉट करके 10 हो जाते हैं। जी एल्स नहीं है, बस ये कि आपका कोड को रोक के रखेगा ये, जब तक आप एग्जीक्यूट प्रॉपर ना हो जाए। बिल्कुल सही चले, नलिश ऑपरेटर, नलिश ऑपरेटर अगर गूगल पे लिख के देखें। जावास्क्रिप्ट इस वाली वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा ही नहीं, वहां से तो पढ़ना ही नहीं, वो सही साइट नहीं है। वो सब कहते हैं, वो अपने तरीके से कहते हैं, कौन सा लमान। उन्होंने रिएक्ट कर दिया पहले से, शायद सर कॉन्फिडेंस लेकर नहीं है थोड़ा, उन्होंने आपका नाम लिया है उसको याद करने की आदत हो गई होगी। प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट की तरफ तो कभी भी नहीं जाएंगे, अंदर गया हूँ बाहर नहीं आया हूँ, अंदर ही जाएंगे तो डॉट से ही जाएंगे। अंदर अंदर जितना मर्जी जाओगे डॉट से ही जाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती ही एक्सेस डॉट से हैं, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो भी डॉट से ही होगा। ठीक है, तो भाई मैं मसला कौन सा, मसले अब आपने हल करने हैं। ये रहा हमारे पास क्या है, ये स्क्रीन, भाई इसके पास सही आ रही है, इसके पास सही आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, कंपोनेंट्स में जरा जाते हैं। बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको इशू बनाने का नीड नहीं है। माय आइटम्स, माय आइटम्स में गए, जीरो वन टू भाई तो यही काम आते हैं और कुछ नहीं आता। डिलीट वाला मसला किसी और ने नहीं करा,
डिलीट नहीं हो रहा यार, मैं ये आसान सॉल्यूशन बता रहा हूँ। डिलीट करो एरे से और उस एरे को डेटाबेस की एरे से रिप्लेस कर दो। मैच किससे करवा के डिलीट करवा अबे यार चल मैच कर दे। वाला इशू आ रहा है टाइम सकता अभी का जो हमारा कोड है वरना फिर आईडी जो हमारी लिस्ट आइटम है हम जितनी ऐड कर रहे हैं पर ये सारा क्लियर देखा क्लियर टेस्ट हो अगर हम चाहते हैं तो हम डिलीट चाहते ऑल हैं लाइक चाहिए आइटम लिस्ट पे लिखेंगे या तो हमारी माय आइटम की माय आइटम्स के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारा सारा डेटा माय आइटम्स। क्या हुआ? पानी कर ठीक हाँ है बताओ क्या नहीं हुआ, अबे यार क्या बोल रहे भाई, उल्टे हाथ से कब पकड़ा हुआ है? यहाँ पे तो ठीक ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बताओ इसमें डिलीट का बटन कैसे लगाएंगे, कोई यहाँ पर आके लगाना चाहेगा? लगा लो नहीं बटन, लगाओ। सर बैठे अंदर बैठे सर मैं आ जाऊंगा 3 बजे का बताओ बटन किस फाइल में लगाएंगे? वो भी लगाएंगे ना फिर आप दोनों ने नहीं बताना, बताओ भाई। दूँ नहीं, तुमने बताना है, तुमने बताना। मुझे ये जो माय आइटम्स की लिस्ट है इधर बराबर में हर आइटम के साथ बटन भी आए, तो बताओ ना फाइल कैसे में लगा लगाना। ये लो, अरे मैंने बोला है सिर्फ इसमें बताना है, सिर्फ इसमें बताना टाइम वेस्ट होगा है। अब इतनी देर में क्लाइंट भाग बैठेगा जाएगा। बताओ खुद ही, सब कुछ तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। चौथी वाली, तीसरी वाली, तीसरे नंबर वाली पे आ गए। अब आइटम लिस्ट पे लगाना, ये रहा डेटा। लैपटॉप नहीं बता, फिर ये कैसा यार इससे ऊपर जाएगा है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कौन सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट है ही नहीं यहाँ पर? हाँ ये रही, ये रही, ये देखो ना, देख के वेबसाइट बताओ कहाँ से आ रही है ये। वो जल्दी जल्दी करवाई इसके चक्कर में तो आधा टाइम कर रही थी अबे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, एचपी भाई तुम लोग सही नहीं पढ़ रहे, मैं बता रहा हूँ, टाइम पे अपना वो जाया कर रहे हो। ठीक है इधर बटन आएगा, के चक्कर में नहीं भाई बूटस्ट्रैप नहीं लगा रहा हूँ। बाद डिलीट में बजाती हूँ आप लगा रहे हो लास्ट में भी बटन बजा रहा क्या है? है लास्ट में बीटीएन स्पेस BTN स्पेस प्राइमरी प्राइमरी लगा बीटीएन तो लिया। और ये याद है इसका आपको स्टेटस वाली काम करने का कैसे सही है, तो सही करके क्या आया क्लास SPAN नहीं SPA सही है। तो छोड़ो CDN को यार। है हाँ सही है, वो तुम सही कर लेना ना बैठ के। मैं यहाँ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ बस, क्या लगाना है बताओ? इधर जाए सेकेंडरी के बराबर करते हैं एमवाई MH2 बस। एमएक्स एक्स एक्स
एक्स डैश क्या बात बस सही। हाँ हाँ जाओ भाई तुम बाइक के ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ इसके क्लिक होने पे ये पूरा वाला डेटा कंसोल में कौन ला सकता है, इसके क्लिक होने पे डेटा कंसोल में आ जाए। नहीं जिस पे क्लिक होगा वही आएगा। नहीं इसके क्लिक पर इसका ही इसी का ही आएगा, मैं लेकर आऊंगा। ये दिस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? दिस दिस क्या दिस सिर्फ वहां यूज हो, फंक्शनल कंपोनेंट में दिस खत्म है। जहां जहां ES6 के फंक्शन चल रहे होंगे ना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जहां ES6 और ES6 प्लस के फंक्शन चल रहे होंगे, मतलब एरो फंक्शन फेडर, वहां दिस खत्म, उससे पहले दिस चले। बोलो तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे बटन में एक फंक्शनलिटी बनेगी, हाँ वो तो अलग अलग कैसे तो तुम देखो ना मैं करता क्या। किसको नहीं नहीं इंडेक्स टारगेट करते हैं और उससे जो हमारी एरे बनेगी ना उसको डेटाबेस की एरे से रिप्लेस कर देंगे, ये करते हैं। अभी एटलीस्ट हमारे पास एक यूनिकनेस ये है कि सारे आइटम्स सेम बनाएंगे। नहीं नहीं तो यही फायदा है क्योंकि आप जो देखो देखो मेन चीज डिपेंड है आपके बैकएंड और डेटाबेस पे। अभी तुमने लगाया हुआ लोकल स्टोरेज है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं ना, ये देखो ये मेरी जो यूजर लिस्ट है, ये आईडी ये काम कर रही है, मेरा अब हमारे पास आईडी नहीं है, आईडी नहीं है। और ये आईडी पता है मैं भेज नहीं रहा, डेटाबेस खुद क्रिएट करता है। आप फायरबेस डेटाबेस यूज करो, मोंगोडीबी डेटाबेस की यूज करो। आप सिर्फ जो देखो, अगर मैं इधर जाके डेटाबेस अपना दिखाऊं, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, प्लस प्लस इसमें डेटा जो मैं भेज रहा हूँ ना, नेम ईमेल पासवर्ड, पासवर्ड में ये मैंने वो क्या बोलेंगे इनकोड करके भेजा हुआ है ताकि सामने वाले को दिखे ना, अगर हैक हो जाए तो भी ना दिखे, ठीक है। तो जी ये वाली हाँ सही है, डेटाबेस जब पढ़ेंगे ना तब की है। तो मैं ये नेम ईमेल पासवर्ड भेज रहा हूँ, आईडी वो ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है, और अगर आप मेरे सारे यूजर देखो तो हर किसी का पासवर्ड वो खुद बना के दे देता है, ठीक है। नहीं तो MySQL तो अब नहीं कोई देख रहा ना, जो जावास्क्रिप्ट की चीजें लोग वो देख रहे हैं, उधर भी है लेकिन इधर हमारे इधर इसकी फंक्शनैलिटी खुद लिखनी पड़ती है, कस्टम नहीं, वो बनी बनाई नहीं मिल रही। हाँ इनक्रिप्ट कहलाएगा, इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा जब आपको चाहिए हो। बताने का मकसद क्या था, नेम ईमेल पासवर्ड भेज रहा हूँ, आईडी खुद जनरेट कर रहा है, ऐसी कोई चीज आपके पास जनरेट नहीं होगी, ठीक है। नहीं मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड, उसको ये इनक्रिप्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज पढ़ना, Base64 फिर बताना मुझे। Base64 सही है, डिकोड टू इमेज ये वो सब लाके देगा, ठीक है। अच्छा चलो आते हैं वापस, ठीक है। मुझे बताओ इसके क्लिक पे मुझे जिस पे क्लिक करूं उसका डेटा कंसोल में चाहिए, कैसे करेंगे? हमजा बताएगा। कंसोल में चाहिए डेटा, नहीं यूज इफेक्ट क्यों बनाएंगे? देखो मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक अच्छा है सवाल है वो बता रहा हूँ। यूज इफेक्ट कोई पूछे कि वो उसमें और फंक्शन में क्या फर्क है, यूज इफेक्ट जो है ना आपके कंपोनेंट की री रेंडरिंग को हैंडल कर रहा होता है कि ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है,
लेकिन फंक्शन आपके क्लिक्स को हैंडल कर रहा होता है, यूज इफेक्ट आपके कंपोनेंट की री रेंडरिंग को हैंडल कर रहा है कि रेंडर हो तो क्या करना है, कोई स्टेट अपडेट हो तो क्या करना है, लेकिन फंक्शंस आपके क्लिक्स को हैंडल कर रहे हैं। क्लियर? इसके अंदर आपने यूज इफेक्ट की चारों कंडीशंस रखी हैं। अगर यूज इफेक्ट की पहली कंडीशन बाउंड्री वाले वर्क में दूसरा फंक्शन को करवा दें हाँ, जब ये की तरफ चलेगा वो भी एक ऊपर से नहीं किससे करो आप लेकिन इस इसमें तरफ एक दफा आपका पूरा पेज एंटर होगा फंक्शन एक बार चलता है फिर इस तरफ जाओ कि एक्ट लेने वाला वो भी कंप्यूटर रेंडर होगा लेकिन एक दफा यूज चला इफेक्ट के जाएगा अलावा फंक्शन फंक्शन एक एक दफा दफा कॉल करोगे ना, चला तो जाएगा जब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता रहेगा वो चलता रहेगा। एक दफा रेंडर होगा एक दफा पेज के रेंडर होने के बाद तो मेरी बात नहीं समझे, एक कंपोनेंट एक पेज पे चार कंपोनेंट रेंडर है, हर फिर कंपोनेंट के रेंडर में एक दफा चलेगा एमटी आर वाले में एमटी आर, नहीं एमटी आर वाला नहीं, फंक्शन नहीं की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन, वो बार बार चलता रहेगा, समझे? उसको एक दफा कैसे चलाएंगे, वो ये हैंडल करेगा, कंपोनेंट फंक्शन को नहीं, कंपोनेंट सिर्फ एक दफा रेंडर हो सिर्फ तब चले, वो यूज इफेक्ट काम करेगा, वो फंक्शन हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, फंक्शन हैंडल नहीं कर सकता उस जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। को डिलीट हैंडलर, डिलीट हैंडलर const delete cl, बिल्कुल कैंसिल उसको नीचे देना फिर कॉल करते वही करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि डेटा कैसे आ रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से तो मैंने बताया था, नहीं बताया तो चलो फिर बता देते हैं, ये उसने इतनी बड़ी क्लास लगा दी ना, इसकी वजह से नीचे लिखना पड़ेगा। हैं ऑन क्लिक, पढ़ना सही है। इसके अंदर मैंने पास किया एक कॉल बैक, क्यों बताता हूं, दिस डिलीट हैंडलर, सही है। अच्छा, ये क्यों पास किया है, पहले मैं इसको डेटा हटा देता हूं और एक नीचे कंसोल चला देता हूं, टेस्टिंग वाला, टेस्टिंग दिस, और वापस जाता हूँ। डिलीट हैंडलर मैंने पहले ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ, ये तो आपको चला के दिखाता हूँ। सेव, टेस्टिंग चल रही है, सही है। अच्छा, अब जो है इधर आया मैं, एक मिनट इसको लगा रहने देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही लगा रहने देता हूँ। नीचे एक और ऑन क्लिक बनाया, ऑन क्लिक पर वाले को बंद करा, इज इक्वल टू दिस, ये सारे एक साथ ही डिलीट मार दे नहीं मैं दोनों में फर्क बता रहा हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। सारे का जो ऊपर वाला मारेगा अरे नहीं भाई, कोई नहीं मारेगा ऊपर वाले जो ऑन क्लिक अभी मैंने वो कमेंट करा है, उसमें मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा हुआ था बस। ठीक है, यहां मैं कॉल बैक बना रहा हूं, डिलीट हैंडलर, सही है, चलाऊं चलेगा, कौन कह रहा चलेगा और कौन कह रहा नहीं चलेगा, क्यों? डेटा पास किया होगा आपने मैंने कोई डेटा पास नहीं, टेस्टिंग किया हुआ अंदर, चलेगा? ब्रैकेट्स आगे इसकी प्रैक्टिस क्यों आएंगे अब, है क्योंकि क्यों? रीजन 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 कॉल बैक फंक्शन नहीं, को ख्याली एक्सेप्ट रीजन नहीं चाहिए, कर पक्की लेगी रीजन, मैं आपको बता दूं कि एक हमारा मिनट पक्की, तो मैं बताऊंगा। ये जो अच्छा, बाकी सारे ये ऑन क्लिक ब्रैकेट जो लगाने नहीं लगाने, पहली बात तो वही ये ब्रैकेट से ब्लॉक नहीं, हुए ये नहीं तो ऑन क्लिक ऊपर वो फंक्शन चला है जो कहीं बताया नहीं चलेगा नहीं चलेगा डिलीट हैंडलर, ये रहा डिलीट हैंडलर, ये रहा, ये तो ऊपर आएंगे ये तो वो नया फंक्शन नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, नहीं है क्या नहीं चलेगा आएंगे। चलो पहले ऐसे चला के देख, पर आएंगे क्योंकि आपने ऊपर वाले डिलीट को हैंडल वाले होते नीचे वाले फंक्शन नीचे चेक वाला कर कौन लिया सा, ये वाला ये फंक्शन ही हो गया मैं कॉल बैक उसको तो फंक्शन कमेंट कर दिया ना ऊपर वाले, कॉल ये जब भी बनाएगा फंक्शन था है क्यों कॉल बैक बैक फंक्शन फंक्शन, इसके अंदर कोई डेटा तो है नहीं तो तो डेटा हम फंक्शन भेज ही नहीं रहे, चलेगा हम तो टेस्टिंग करवा रहे हैं,
टेस्टिंग करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट को नहीं 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 बात नहीं है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना वो चलाएंगे नहीं, बोलेंगे ऐसे ही आउटपुट बताओ और हम आंसर खुद देखेंगे, फिर क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। सही है, चलो पहले चला के देखते हैं। सेव किया, इसको मैंने क्लियर किया, नॉट वर्किंग, ठीक है, ब्रैकेट्स आपको लगाने हैं, ठीक है, सेव किया, अब चलाता हूँ, चल रहा है, ठीक है, अब एक और काम, वो भी आप बताओगे, अब चलेंगे, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, चलो चलाते, सेव किया, ये उसने खुद ही छह दे दिए, चला क्यों चलाए, वो तो बटन की क्लिक पर है, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, सिक्स देख रहे हो, छह ऑन क्लिक कभी भी नहीं चलेगा जब तक आपने बटन क्लिक नहीं करोगे, ऑन क्लिक कभी भी नहीं चलेगा, चल रहा है, सही है, ब्रैकेट्स की वजह से, ठीक है, तो देखो जब नॉर्मल, जब आपने कोई फंक्शन सिर्फ क्लिक करना हो, ठीक है, तब आप खाली ऑन क्लिक में उस फंक्शन का नेम पास कर दोगे, आपको ब्रैकेट्स पास करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पास करोगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, जैसा भी हो गया, देखो जब किसी बटन पे सिर्फ क्लिक करने पे आपको हैंडल करना है हैंडलर, तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट्स लगा दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हैंडल हो गया, वो खुद ही रेंडर कर देगा, सबके सब, छह रेंडर हुए ना, सबके सब खुद ही हैंडल हो गए, लेकिन हम नीचे वाला क्यों यूज करेंगे, अब बताता हूँ, नीचे वाला इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि मुझे इसका डेटा चाहिए अपने फंक्शन में, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया आइटम, अब वहां पे डेटा में मुझे मिलेगा, डेटा में मुझे आइटम मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, टेस्टिंग को मैं खत्म करता हूँ और डेटा को मैं क्लिक करता हूँ, सेव, लैपटॉप मोबाइल सब डेटा लागे थे, मैंने डिलीट किया ही नहीं, डिलीट किया ही नहीं मैंने, अबे यार सवाल हाँ वोट पे है, बोलो बोलो वोट पे हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि आप बोल रहे हैं कि डिलीट हैंडलर जो नीचे आते हैं बगैर कॉल बैक फंक्शन के आप चला रहे हैं तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं, जी तो सर हमें हर आइटम को डिलीट करना है, उसके आगे बटन लगा हुआ है, तो हमारा काम उससे नहीं हो रहा कि बटन पे क्लिक करें वो आइटम डिलीट हो जाए, फिर हमें नीचे वाले इसकी कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, डेटा चाहिए, डेटा डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा क्यों चाहिए मैं बताता हूँ ना, चलो सही है, डेटा नहीं चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, की तो चाहिए है, किस की को पकड़ोगे, इंडेक्स तो चाहिए ना भाई, कैसे डिलीट करोगे जब तुम्हारे पास की नहीं है, अंकल मेरी बात सुनो, आप एरे में से 50 आइटम है जिसमें क्लिक कर रहे हो, उसकी की कैसे पकड़ोगे, तो कैसे पता चलेगा यही आइटम डिलीट करना है जी, अब मुझे यहाँ पर एक और डेटा भेजना है, वो कैसे भेजूंगा, मैंने बोला भाई आइटम के साथ ऐसा करो, इंडेक्स भी दे दो, की मिल गया वहां पर, अब जिसपे क्लिक हो रहा है उसकी की आ जाएगी, ऊपर जाते हैं, मैंने बोला डेटा के साथ उसकी बताओ की, सही है, अब डेटा के साथ यानी मैंने बोला की, सेव करते हैं, आओ 0 1 2 3 4 5 5 1 सबकी की ला के दे रहा है, क्लियर, नहीं साठ बिल्कुल लग सकती है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है यार, ये ऊपर के लेवल की चीज है, ये वो वाली चीज नहीं है, उसमें तो आप नॉर्मल नॉर्मल सारी एरे से सिंपल सिंपल सब कुछ हो जाता था,
होगा इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस है। ये समझ लेना डिलीट का बटन अपने साथ है, इसको पकड़ कैसे रहा है। ये देखो भाई दोबारा देखो, ये जो मैप चल रहा है ना उसके अंदर एक चाइल्ड रिटर्न हो रहा है, वो है डिव, ठीक है। उसके अंदर मैंने बोला जो आइटम आप पास करो, आइटम डॉट नेम रेंडर करो एक स्पान में, और उसी का एक एक सिबलिंग चाइल्ड होगा बटन, ठीक है। तो जब बटन डेटाबेस में जब आइटम 6 हैं और स्पान में हमने आइटम डॉट नेम रखा हुआ है, उसका एक चाइल्ड है बटन, तो बटन सबके साथ लगेगा ना यार, वो बटन कनेक्ट हो जाएगा हर उसके इंडेक्स के साथ, हर इंडेक्स उसके के आइटम साथ के नहीं, साथ। जो चाइल्ड आप रिटर्न कर रहे हो मैप में जिस पे लूपिंग चल रही है और जिस पे आपने अपने डेटा को रखवाया हुआ है, लैपटॉप मोबाइल टीवी, आपने उसका एक सब चाइल्ड बना दिया सिबलिंग चाइल्ड विच इज बटन, तो वो हर किसी के साथ रेंडर होगा। बटन आ तो गए जी जी ये डिलीट का बटन जो आपने आइटम में इंडेक्स नहीं लिखा था, ठीक है, तब भी अपने पड़ोस वाले को ही पकड़ के टेस्टिंग शो कर रहा था। वो इस वजह से क्योंकि मैंने अंदर डेटा तो मंगवाया हुआ नहीं था ना, बटन के ऊपर एक सिंपल से लिखा था टेस्टिंग, बस वो भी बटन दबा दे वो कंसोल तो वो करता था, कंसोल तो करना था वो उसमें। फंक्शनैलिटी तो मिली लेसन। अब क्लियर है, और बाकी सारे कटने की तो नहीं कह रहे भाई। क्लियर हो जाता है, कोशिश करते रहो, होगा तुम्हारे से तो फिर जल्दी कर रहे हो, मैं भाग गया था बाद में। मतलब तुम कह रहे हो कि ये जो है डेटा कहाँ से आ रहा है भाई? देखो सही है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर में जब मैं गया डिलीट हैंडलर में, यहाँ से मैं आइटम भेज रहा हूँ, वो आइटम कौन सा, ये लाइन नंबर 30 वाला, क्लियर है। ये जो आइटम है ना, ये जिस जो मैप में मिल रहा है वो मैं पास कर रहा हूँ बटन का फर्स्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर आर्गुमेंट, ठीक है। पैरामीटर में जब वो मुझे रिसीव हो रहा है एज अ डेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, AHMED, और इसी को रख दिया मैंने यहाँ पर, सेव किया, अब भी मिलेगा, मैंने डेटा इस वजह से लिखा हुआ, रेलिवेंट नेम रखा। अब क्लियर है सबको? ठीक है आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी जो एरे थी वो किधर है, हमारी एरे थी डेटा लिस्ट, अब इसके साथ हमारी जो डेटा लिस्ट है उसको भी मंगवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा लिस्ट सेव। ये हमारा आइटम है और ये हमारी डेटा लिस्ट है, क्लियर है। सर उसके अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे, जो आपने एक पहले कॉल बैक बनाया और एक सिंपल बनाया ऑन के, दोनों की क्या, दोनों की क्या चीजें अलग हैं? जब किसी बटन के पे क्लिक पे कोई पैरामीटर आपको रिक्वायर्ड नहीं है कहीं भेजने के लिए, तब नॉर्मल बटन, तब नॉर्मल फंक्शन कॉल कर देंगे, बस नॉर्मल फंक्शन का जो भी आपका फंक्शन है उसका सिंपल नाम लिख देंगे। लेकिन जब आपको उसके क्लिक पे कोई डेटा अपने फंक्शन तक पहुंचाना है, तब आप एक कॉल बैक बना के उसके उसमें फंक्शन कॉल करोगे और उसके जो पैरामीटर्स होंगे, आर्गुमेंट जो दोगे वो ऊपर मिलेगा। ये देखो इसको बन गया, इसको खोला, अभी मुझे इसके क्लिक पे कोई पैरामीटर इधर से उधर नहीं भेजना, मैंने सिंपल फंक्शन का नेम लिख दिया, जस्ट क्लिक की फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। विदाउट इंटर जैसे आप अभी ऑन क्लिक किया गया, आपने वो नहीं लगा, आपने वगैरह बनाने के लिए बोला था कि मैं कुछ भी लेकिन इंटर ना करना होगा, इंटर करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ बटन ना दबाना पड़े, इंटर करना पड़े, मैं ये बोला था। हाँ ये बता देगा, ये बता देगा। तुमने वेदर ऐप बनाई थी ना, बताओ। अच्छा सही है, अब जब मुझे किसी क्लिक पर जो है अपनी लिस्ट का डेटा या जो मेरे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डेटा कहीं पहुंचाना है, तो उसके लिए आप कॉल बैक फंक्शन में फंक्शन कॉल करोगे और उसके जो ब्रैकेट्स हैं आर्गुमेंट जो पास करोगे वो ऊपर मिलेंगे। भाई देखो जब मैंने कॉल बैक में डिलीट हैंडलर चलाया तो इसमें मैं आर्गुमेंट भेज रहा हूँ ना आइटम और इंडेक्स, और जब ऊपर है तो यहाँ पे डेटा और की में वो आइटम और इंडेक्स मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे, कंसोल में आओ दोबारा,
ये आइटम, ये इंडेक्स, अब क्लियर है? अब यहाँ से आगे ही बढ़ेंगे। मैं तो बढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं, डेटाबेस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, इस एरे में से अपना आइटम रिमूव करते हैं, सही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा करते हैं, डेटाबेस को भी छोड़ते हैं, इस एरे में से अपना आइटम रिमूव करते हैं, ठीक है? ओके। इसको नहीं चाहिए, मैं एक लिस्ट क्लोन बना लेता हूं अपने पास, लेट आइटम लिस्ट क्लोन इज इक्वल टू डेटा लिस्ट डॉट स्लाइस 0, सही है? क्या करेगा ये? एक एरे की कॉपी बना के मुझे दे देगा, ठीक है? ओके। मैंने बोला डिलीट की फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, आइटम लिस्ट क्लोन, ठीक है? स्लाइस का फंक्शन क्या करता है? आपके एरे की एक कॉपी बना के दे देता है, डुप्लीकेट बना के दे देता है। अब ये आइटम लिस्ट क्लोन में आपके पास 6 आइटम्स हो गए, क्योंकि 6 आइटम ही रखे हुए हैं, सही है? मैंने बोला डॉट स्लाइस, स्लाइस का फंक्शन आपका क्या करता है? आपके इसके पास 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, सही है? पहला पैरामीटर कहां से शुरू करना है, ठीक है? मैंने बोला कहां से शुरू करो, की से, क्यों? जिस पे क्लिक हुआ वही चाहिए। और दूसरा पैरामीटर कितने रिमूव करने, 1 कॉमा लगा के 1 दबा दिया, आपका आइटम खत्म, क्लियर? मैं आपको दोबारा वही बात बता रहा हूँ, एक एक अगर किसी ने आपको प्लस सिखाया 2+2, तो अगर उसके साथ आपने खेला नहीं, यार ++2 या -2 लिखे तो क्या होगा, तो फिर तुमने सीखा ही नहीं। मैं जब कोई चीज सीखता हूँ ना, तो उसके ऐसी ऐसी चीजें चला देता हूँ जो बस में नहीं होता कि ये चलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आउटपुट देंगी। कोई पूछ ले आउटपुट कैसे आ रहा है, तो कैसे बताओगे? सिस्टम नहीं उड़ेगा, सिस्टम नहीं उड़ेगा, सिस्टम से लूप तोड़ता, वो से लूप तोड़ता है, वरना नहीं उड़ेगा, या फिर नेटवर्किंग से, नेटवर्किंग की चीजों से उड़ जाता है, ठीक है? उसके बाद मैंने किया, क्या किया, सेट डेटा लिस्ट और उसमें रख दिया आइटम लिस्ट क्लोन, स्लाइस का फंक्शन एक दफा चलाकर देखते हैं, उसके बाद मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? सेव किया, वापस आते हैं, एक दफा रिफ्रेश, ठीक है? कंपोनेंट्स में आए और आइटम लिस्ट, ठीक है? और इसको खोल लिया, लैपटॉप मोबाइल टीवी वॉशिंग सब कुछ दिख रहा है सबको, ठीक है? इधर भी क्लियर है, कंपोनेंट्स में आते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव्ड, जबरदस्त, रियल टाइम बेहतरीन हो गया, सीक्वेंस में भी आ गया, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? अभी रिफ्रेश करूंगा तो वो डेटा आएगा। अब आपने क्या करना है, इस एरे को डेटाबेस के एरे से रिप्लेस कर देना, ठीक है? पहले एक दफा रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि वो आ रहा है नहीं आ रहा, 5 आइटम है, यहाँ पर 6 होने चाहिए, रिफ्रेश करने पे 6 आ गए, सही है? ओके। अब हम एक काम करते हैं, सही है, आओ इधर, किधर, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कुछ थोड़ा सा और इधर करते हैं, और हमारे पास किस नाम से है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नहीं नहीं इस तरह नहीं होगा, सी लैपटॉप मोबाइल टीवी, ठीक है? अच्छा, आपने किया लेट फेच
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फेच इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज इक्वल टू जेसन, नो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या चाहिए, ये चाहिए, माइनस कर देना थोड़ा सा, नजर आ रहा है ना, प्लस, ठीक है, पारसी करके खोलेंगे, पारसी नहीं यार, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, फेच इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हाँ बताओ, इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, पारसी नहीं, जेसन डॉट पार्स, और इसमें क्या पास करेंगे, फेच इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा, सही है। यस, बल्कि एक काम क्यों ना करें, नहीं 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 एक काम करते हैं इसको, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिस्ट है ना, बस इसको हम कॉपी करके कमेंट में सेव कर लेते हैं, बाकी जो नीचे लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। अच्छा बता रहा हूँ, लेट डेटा इन एस टी आर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज, नहीं नहीं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई उसमें लिख दिया आइटम लिस्ट क्लोन, यस सही है। और उसके बाद मैंने किया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एक्स, यहां लिख दिया नोट सेविंग डेटा इन डीबी, सेविंग डेटा इन डीबी एलएस, डीबी और लोकल स्टोरेज, सही है, ओके। सेट आइटम में मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और वहां जाके क्या पुश कर दिया, जबरदस्त। अच्छा कौन कौन वो है जो बोले कि ये वर्क नहीं करेगा, ये जो अभी तक लिखा है, और बताए कि भाई क्या क्या कर लिया है, मंगवाना क्यों है, मैं कैसे उल्टी सीधी जगह बैठूंगा यार, चलो चला के देखते हैं फिर क्वेश्चन आंसर आंसर करेंगे, सही है, पहले चला के देखते हैं फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, सेव किया, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए इसको माइनस करते हैं ताकि नजर आए, प्लस प्लस, एक दफा रिफ्रेश, रिफ्रेश हुआ, इसको खत्म किया, कंपोनेंट्स में आए, ये रहा हमारा आइटम लिस्ट का डेटा, इस पर क्लिक कर लिया, छः पाँच है, मतलब एक किस्म के छः हैं, हमने तो इंडेक्स प्लस वन किया हुआ है ना, और एप्लीकेशन में आए, जीरो से लेकर नीचे सबको पाँच लिख रहा है, ठीक है, क्लिक करो इस पे, वॉशिंग मशीन रिमूव्ड, नहीं रिफ्रेश नहीं, पहले उधर देखेंगे, डेटाबेस से रिमूव हुई है, यस, वॉशिंग मशीन रिमूव, जबरदस्त, डेटाबेस रिप्लेस, अब आओ, बिल्कुल सही है, डेटा हो गया आपसे डेटाबेस से रिलीज, क्या हुआ, नहीं नहीं ये बड़े टाइम बाद वो होती है भाई, इतना आसानी से नहीं चीजें आ जाती, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में यही काम है सर, और कुछ नहीं है, एक दफा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाए ना, फिर बड़े से बड़ा काम आसान लग रहा होता है, बिल्कुल आती है, हम तुम्हारी वाली, तुम्हारी वाली मिट्टी से ही बने हुए भाई, नॉन मिट्टी से नहीं बने,
सही है, एक ही मिट्टी से सारे बने हुए, तो हमने किया तो तुमने भी हो जाएगा, बस क्या है पीछे नहीं हटना। ठीक है, मैं छोड़ के चला गया था वरना मैं गेला बहुत आगे चला गया होता। हाँ, कितना साल गया दिया 2.5 साल, ढाई साल फिर तो बहुत आपको याद छोटे से कैसे शुरू रहा हो जब गया था पढ़ा ना। तो याद तो पढ़ाया था आपको याद रहा हो ढाई साल में फिर देखो, नए सिरे से पढ़ना मैं पड़ा होगा 2016 में यूनिवर्सिटी लगा और दोबारा 2017 में आईबेक्स चला गया, तो सही है सही यूनिवर्सिटी में तो सही पढ़ रहा था ना मैं, तो सही तो चीजें कैसे भूलेंगी। ये तो सर बीएड का जो आपने चलाने पे नहीं जोर नहीं दिया वो यूनिवर्सिटी देखो, वो में कंटेंट एम भी नहीं पुराना था, पढ़ाया कंटेंट उनका पुराना था, कौन सा वाला जो पढ़ाया था आपने जो पढ़ाया सीबीटी था वो तो अब यूज भी नहीं हो रहा। आपका में इंटरव्यू बेस तो आपने उसी में पढ़ाया जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, ये तो आए 2020 में। सही है सर मतलब अभी कह रहे हैं तो एक साल आपने चलाने में पढ़ा काम नहीं आया दोबारा अपनी बेस बनाने में वही काम एक आया, आपने क्योंकि सब वो चीज काम समझ लिया रिप्लेस सही नहीं हुआ था, वो काम रिप्लेस नहीं हुआ था, बस ये कि मुझे अपडेट्स का नहीं पता था। सर कोर्स तो आपने मैट्रिक में इंटर में कर लिया था कोर्स मैंने किया था 2016 2025 है, मैं तकरीबन सत्रह साल से शुरू हो गया था, में क्या 17 साल से शुरू हो गया मतलब अभी कह रहे हैं उस जमाने में सिलानी में, अली मुगल, हैदर अली शाह, वो बहुत एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर हैं भाई, इसी बहुत चेंज में काम करते हैं पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपने डेटाबेस से डेटा भी रिमूव कर दिया, एक और रिमूव कर देते हैं। रिमोट भी रिमूव हो गया, डेटाबेस में 4 आइटम होने चाहिए, 4 आइटम। क्या सारे करते क्यों करेंगे यार, हैं अंडू करेंगे डिलीट ऑल पे क्लियर ही चलेगा। जब आप कह रहे हो कि आपने डिलीट ऑल करना है, तो डेटा क्लियर ऑल ही करोगे। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट सुन लो, इसके बाद बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बोल रही थी हम लोग डेटा यानी कि लोकल स्टोरेज से सिर्फ बात डिलीट करना चाह रहे हम नहीं चाह रहे कि नहीं, ये कैसी बात है, आप हमेशा, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो ना पहले। आप मोस्ट ऑफ द टाइम फुल स्टैक एप्लीकेशन पे काम करोगे, 10% ऐसा हो सकता है कि फुल स्टैक एप्लीकेशन पे काम ना करो। फुल स्टैक एप्लीकेशन का मतलब है डेटाबेस से जो हो रहा होगा ना, फ्रंट एंड पे आप वो दिखाओगे। ठीक है, तो आप चाह रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास एक यूजर लिस्ट 50 यूजर पड़े हुए हैं, और वो 50 यूजर तुम्हें तुम्हें जो है डॉम पे दिख रहे हैं, यूआई पे दिख रहे हैं, फ्रंट एंड पे, वहां से डिलीट हो जाएं, फिर भी यहां दिखें। ये तो मतलब डेटाबेस से रहे डेटाबेस उड़ा दें और वो फिर भी रहे। नहीं, आप उसके तस्वीर लेके सेव कर लो। कैसे मैं बता रहा हूँ वो कब यूज करेंगे। यहाँ पर आप लगा लो एक डिलीट ऑल का बटन, विंडो डॉट क्लियर, विंडो नहीं, विंडो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का फंक्शन आपकी इसको रिमूव करेगा, लिस्ट को रिमूव, बल्कि इसको भी रिमूव नहीं करना, आप डायरेक्ट लोकल स्टोरेज की जो एरे है उसको उड़ा दो, ये खुद उड़ जाएगा, ये खुद भाई उड़ तो जाएगा। भाई कर दो कैसे हो रहा है कैसे हो रही है सर बताना अंडू वाले यार अंडू के लिए तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा कि कीबोर्ड की जो कीज होती है ना, उनको कैसे हैंडल करें। अब जैसे मेरी एक ऐप है, मैं उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, ये के तो हैंडल कैसे करना बता ये रहा हूँ, बोल के ना बता रहा सही है। उस पे मैंने पता क्या किया हुआ है, ना आपका F5 काम करेगा, ना कंट्रोल आर काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट आर काम नहीं करेगा, आपका ये जो बटन है ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इससे तो अंडू से ये लेना देना है, कंट्रोल आर को आप ऐसे हैंडल कर लोगे ना, जब आप F5 को हैंडल कर रहे हो, कंट्रोल शिफ्ट आर को हैंडल कर रहे हो, कंट्रोल आर को हैंडल कर रहे हो, तो आप कंट्रोल वाई को भी हैंडल कर लोगे, कंट्रोल वाई अंडू ही तो करता है।
कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई दबा कंट्रोल रीडू करता है, कंट्रोल से अंडू करता है, कंट्रोल जी कंट्रोल वाई की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं कोई बटन उस पे दबा जो अंडू जा फिर हम उस, सही है ना, उनकी पर्सनालिटी सही है, कंट्रोल जी भी यही करता है। तो वो बटन की फंक्शनैलिटी आप अंडू के बटन पे लगा दो। कीबोर्ड की जी फंक्शनैलिटी लगा देंगे जी ऐसे कैसे, भाई इसमें क्या आप बोलते हैं F5 को हैंडल कैसे करोगे, आपके ब्लॉक हो जाए किसी ना किसी तरीके से करोगे, की को पकड़ोगे तो कंट्रोल और जी को पकड़ लोगे, जो वो काम कर रहा है वो आपका बटन काम कर देगा। अब सपोज करो मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो यहाँ मेरे पास एक अंडू का बटन लगा हुआ है, ठीक है, मैंने एक आइटम डिलीट करा, नहीं करना था, अंडू पे दबाऊंगा वो वापस आ जाएगा। बता रहा हूँ अंडू आपका ये करता है, जो लास्ट आपका एक्शन होता है ना उसको अपने पास किसी मेमोरी में सेव कर देता है। ये तो सर इसका मतलब तो ये अंडू की होगा फंक्शनैलिटी अपने साथ ही लाती है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी नहीं है उसका, जो काम है वो बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंप्यूटर का सर आपने जो लोकल स्टोरेज के डेटा सेव नहीं किया वो भी कहीं ना कहीं सेव हो रहा कहीं ना कहीं हर चीज सेव हो रही है, हर चीज सेव हो रही है। है। आपकी हार्ड ड्राइव क्या करती ये सही सवाल है, बल्कि सही जवाब है ये। है, क्या करेगा पेट्रोल जा रहा है आपका, वहां से लीड नहीं हो रहा, वहां से मंगवाएंगे वहां से नहीं मंगवाएंगे, आप बटन से मंगवाओगे वहां से लेकर वो वहां से लेकर आ जाएगा। पढ़ने के लिए क्या बोलना होगा, हाउ टू एक्सेस कीज ऑफ कीबोर्ड इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हम सारे जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। एडिट का बटन लगाएं, पूरा काम नहीं करेंगे, पूरा काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखो टास्क सुनो अपना, जो आपको करना है टास्क बड़ा है और टास्क करना है। नहीं नहीं टास्क मैं बहुत बड़ा दे रहा हूँ, ये लाइव बिठा के लाइव बिठा के यार, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा टास्क बना रहा हूँ, वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसके अगली क्लास में करवा देंगे। लेकिन अभी मेरा टास्क सुन लो, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करना है, करके लाना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप लाहौर से वापस आ जाओगे तुम, बूटस्ट्रैप मॉडल, बूटस्ट्रैप ये का काम आ गया, अब देख लो। अच्छा मैंने देखा लॉस, नहीं यार वो निकल के कहां से आएगा, क्या लॉन्च डेमो मॉडल ये आ गया, ठीक है। आपने एडिट का बटन बनाया, मॉडल लेकर आ गए, ओके उसमें पूछोगे क्या अपडेट करना है, इसका डेटा लैपटॉप वहां पे चला जाए और उस पे आ जाए दो बटन, एक अपडेट और एक हो जाए क्लोज, क्लोज हो जाए तो फंक्शनैलिटी खत्म, मॉडल क्लोज। मजाक नहीं कर करते पर करवाना अंदर जो लिखा हुआ होगा वो भी रिमूव कराना है। ना अभी क्यों एक वीक दे, आप लोग इस काबिल हो गए, आप कर सकते हो। मेरी बात सुन लो, तुम लोग खुद करोगे, मेरी बात सुनो दोबारा, यहाँ पर जो बटन होगा उस पर लिखा हुआ होगा एडिट, अपडेट नहीं लिखा होगा, ठीक है। नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए, चेंज होगा, ठीक है। अब एडिट पे मैंने क्लिक करा, मेरे पास ऐसा मॉडल जनरेट हुआ, अच्छा उसके ऊपर जो इनपुट फील्ड है उस पे वो लिखा हुआ होगा जिस पे आपने क्लिक किया है। सही है ठीक है खुलवा लिया तो नाम क्या सही है। देखेंगे अच्छा अब देखो, इन्होंने आपके लिए पहले से दो बटन बनाए हुए, ये जो क्लोज वाला है क्लोज करने पे क्लोज ही हो जाएगा, ठीक है, और क्लोज होने पे जो लिखा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक, ना अपडेट। हाँ बस सीधा सीधा काम, ठीक। अब जब अपडेट सही करा तो आपकी लिस्ट भी अपडेट होनी चाहिए और डेटाबेस की एरे भी अपडेट होनी चाहिए। सिर्फ अभी अभी अगर मैं बैठूं तो 15 मिनट का काम है, तो आप लोगों ने करके आने हैं। नहीं, सिर्फ 15 मिनट का काम, कोई मॉडल बना के दे दे मेरे लिए, 15 मिनट का काम सर मैं करूंगा नहीं, लंबी मैं करना ही नहीं चाह रहा, लंबी उसके लिए होगी और अच्छा काम भी उसी के लिए होगा जो काम करेगा कंपोनेंट से। एक मॉडल डिफरेंट बना के रखो, उधर डेटा भेजो, उधर से डेटा मंगवाओ। सर
हाँ सही है, फिर ऐसे ही चलेगा। आपको समझ आया क्या टास्क है, बताओ दोबारा। उसकी जगह पे नहीं, उसके बराबर में डिलीट वाला भी चाहिए। ये रहा ये वाला बॉक्स, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड होगी। इनपुट फील्ड में क्या आना चाहिए जिसपे क्लिक किया था, सही है। लाइक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आना चाहिए। फिर अगर सपोज करो यहाँ क्लोज दबा दो तो क्लोज हो जाए, खत्म। दूसरे को खोलूं तो दूसरा ओपन हो जाए। और अगर जब अपडेट करूं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मॉडल क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। डेटा अपडेट होने में तो सेकंड नहीं लगेंगे। डेटा जो है डॉम पे भी अपडेट हो, लोकल स्पेस पे लोकल स्पेस। हाँ यस, अभी परसों जैसे हमने एडिट का बटन बनाया, बाकी भी बात करते हैं। इसके अलावा फिल्टर वाला स्लाइस वाला बटन से भी कर सकते हैं, फिल्टर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इसके अलावा पुश वाले बटन से भी कर सकते हैं। पुश नहीं, पॉप, पॉप वाले बटन से, गलत कह रहा हूँ। सर मैंने पढ़ा था, सुनेगा था, पॉप भी एक सीक्वेंस से रिलीज करता है, स्लाइस भी, लेकिन अगर आपको अपनी रैंडम यूज करवाना है तो फिर आप फिल्टर यूज करना, फिर जहां से बोलोगे वहां से। स्लाइस अभी जबरदस्त काम कर रहा है। मैच करवाना पड़ेगा ना। हाँ दो चीजें मैच होंगी, बिल्कुल होगा। नो नहीं जी नहीं, आपने फिल्टर की डेफिनेशन पढ़ी नहीं। फिल्टर की डेफिनेशन ये है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका डेटा कैसे आपको फिल्टर करके चाहिए, कि इसके थ्रू नहीं, अंदर कंडीशन जो बताओगे वो वैसा करके दे देगा। वो आपके डेटा स्लाइस का बिल्कुल काम अलग है। आप मुझे बताओ फिल्टर के, फिल्टर को कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है। स्लाइस को तो 3 रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब नेसेसरी नहीं है, चाहिए। फिल्टर को तो कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अंदर एक कंडीशन मांगता है और उस कंडीशन को ट्रू करके आपको आपकी एरे दे देता है। वो कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा। वो मैं क्यों बताऊं भाई, वो तो आप खुद लगाओ ना यार। मैं फिल्टर के बगैर काम करके दूंगा आपको। मैं फिल्टर विल्टर कर ही नहीं रहा, फिल्टर वाला। दोनों बेस्ट मेथड, दोनों बेस्ट मेथड, पॉप वाला भी बेस्ट मेथड है। मैं तो इसी से करूंगा। हाँ आपने वो यूज करना है, आप वो कर लो, बिल्कुल होगा। कोई सवाल है? भाई कोई सवाल है? हाँ वह होने वाली है, काम हो गया हमारा, खत्म। भाई जो आपका काम है वो आपको लाजमी करके लाना है। फिर नेक्स्ट क्लास की कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो सुन लो। नहीं नहीं भाई, अगले अगली क्लास की चीजें भी बता रहा हूँ, वो भी सुन के रखिए। अगली क्लास की चीजें बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो, वो आपके काम का है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं काम की चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो होगा ना, पहली बात तो ये एडिट वाला काम कराऊंगा नहीं, और ये वाली चीजें भी नहीं खोलेंगे। सही? नहीं, मैं जो काम बोल रहा हूँ, मैंने उसी के लिए सिस्टम की बात करी है, और वो सिस्टम अरेंज करके दे देंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नीचे बैठेंगे।
हाँ, नीचे सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं यार, इसमें हाँ बिल्कुल, लेकिन एक आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ ना, देखो कभी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं करा ना, हैकाथॉन में। हाँ आपने उसकी इबरत बता दी थी हाँ करना ठीक वो है, करना है वो है, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। मैं आपको जो है एक एपीआई इंटीग्रेशन आप सारे सीख चुके हो, मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। डेटा आपको मैंने भेजना सिखा दिया, मंगवाना सिखा दिया, डिलीट करना सिखा दिया, अपडेट करना सिखा दिया, ठीक है। आप लोगों ने जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक नया, ठीक है, तीन उसमें फील्ड्स होंगी, सपोज कर लेते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, उसकी एपीआई दूंगा, वो आपने भेजना है डेटाबेस में, लोकल लोकल स्टोरेज में नहीं, प्रोफेशनल मंड में, मोंगोडीबी में भेजना है आपको, उससे आपको उससे लेना देना नहीं है, मैं एपीआई दूंगा आपको, उस पर हिट मारनी है, जो आपने सीखा हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है उसी से काम होगा। स्टोरेज लोकल स्टोरेज को छोड़ो, आपने सिर्फ जो मैंने प्रॉमिस सिखाए हैं, जो एसिंक अवेट सिखाया है, वो एपीआई कॉल करो और बस आपका डेटा खुद ही जाएगा, आता खुद है ना, आपने जाएगा भी खुद। नहीं है आपने एपीआई मैं एपीआई की थी एपीआई की खुद दूंगा भी भेजने की, जी सही है, सॉफ्टवेयर। इस तरह होता है, ठीक है। और डेटा जो भेजना होगा, किस तरह भेजना है, वो डेटा का पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको इस तरह भेजना है। तो ये हम एक प्रोजेक्ट, आप सुन तो लो, सुन तो लो, सिर्फ सुन लो, बाद में भले नहीं करना, नुकसान उसी का है, नुकसान उसी का है, सही है। आप लोग सारे बैठे हुए, मैं एपीआई दूंगा, उनका डेटा भेजने का तरीका बताऊंगा, आपने डेटा भेजना है डेटाबेस में, वो इस तरह आके गिरेगा, सही है, पक्का गिरेगा, नहीं तो मैं जिम्मेदार, बैकएंड मैं लिख रहा हूँ उससे, डेटाबेस मैं लिखूंगा, बैकएंड मैं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, जो आपके पास इस तरह ये लिस्ट से हो रही है, जो डेटा गिरेगा, एक और एपीआई दूंगा, उस पर सारा डेटा दिखेगा आपका, जो आपने भेजा हुआ होगा वो सारा उस पर दिखेगा। अभी दो हो गई, एक आपने कहा भेजने वाली, एक दिखाने वाली, एपीआई ठीक है। फिर इसी तरह डिलीट वाला भी करेंगे, एडिट वाला भी करेंगे, ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट हो जाएगा मन का, इस पे आपको सब कुछ खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगी चीजें, मैं बताऊंगा ना बीच बीच में। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, क्या कह रहे हो तुम, यूज़ भेजने के लिए भी एपीआई चाहिए, दिखा लाने के लिए दिखाने के भेजने के लिए, लिए एक दिखाने के लिए, एक दोम पे सारी मुद्दे कैसे दिखेंगे, हाथ पे थोड़ी दिखाना है यार, ठीक भेजने है। फिर डिलीट कर, उसके लिए भी चाहिए, जब एडिट करना है उसके लिए भी चाहिए, ये किस्म का वही है, मैं बताऊंगा कुछ नहीं उसमें, लिए तो लगता कर रहा है, ये कर रहा है नहीं इंशाल्लाह। तो चल रिएक्ट की ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, उसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक नेक्स्ट है। चलो क्लोज करते हैं क्या भाई, बेटा काफी आज के लिए, ओके। हेलो।